आपको अपने YouTube चैनल PRD क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक टेस्ट देते हैं जिसमें कुल 10 प्रश्न होते हैं और यह शाम को 9 बजे अपलोड किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आप टेस्ट दें, एक छोटा सा टेस्ट होता है, 5 से 7 मिनट में अगर कुछ नहीं जाता है लेकिन 10 से 20 प्रश्न आप सीख जाते हैं, तो आप एक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, क्या आपके 10 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट में आपका कोई लॉस नहीं होगा, यहाँ तक कि 10 से 20 प्रश्न आपका डेली तैयार होगा। 1 महीने में आप 300 से 600 तक का क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है, इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपका समय शुरू होता है 5 सेकेंड का, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। जबकि जो नवजात शिशु होता है, नवजात जो शिशु होता है उसमें अगर कहा जाए कितनी हड्डी होती हैं, तो ये नवजात शिशु में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में और वो स्वस्थ हो तो उसमें 206 हड्डी होगी, जबकि एक नवजात शिशु में कुल 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है। आपका टाइम शुरू होता है 5 सेकेंड। देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग त्वचा होती है। त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ की में पाई जाती है। जांघ की मतलब शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। अब देखते हैं, और यकृत, यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि कार्य किस प्रकार की भौतिक राशि है। आपका समय शुरू होता है 5 सेकेंड। देखिए दोस्तों, कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। कार्य किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है। देखिए दोस्तों, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि का मतलब ये हुआ कि ऐसी भौतिक राशियां जिसको दिखाने के लिए परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। परिमाण का मतलब कहें कि 5 मीटर केवल कहें या अदिश राशि होगा, लेकिन 5 पे एरो अगर लगा दें तो एक सदिश राशि हो जाए, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी पता है हमको। और कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और कार्य बराबर होता क्या है, तो कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि है, जबकि विस्थापन भी एक क्या है, सदिश राशि है। लेकिन दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि होती है। दूरी का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, आपका समय शुरू। देखिए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 कहते हैं। और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड लिख लिए हैं, माफ कीजिएगा, एक मैग्नीशियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना कहते हैं, COH ट्वाइस होता है, CA कैल्शियम ओ हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम OH ट्वाइस। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका समय शुरू होता है।
देखिए दोस्तों, इमली में यहाँ पे बी ऑप्शन सही, यानी कि टार्टरिक एसिड इमली में पाई जाती है। टार्टरिक एसिड इमली में पाई जाती है, जबकि मैलिक एसिड सेव में पाई जाती है। सेव में मैलिक एसिड पाई जाती है, और सिट्रिक एसिड किस में पाई जाती है, तो नींबू में पाई जाती है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाई जाती है, जबकि मैलिक एसिड किस में पाई जाती है, सेव में पाई जाती है। एस्टिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि मानव के रक्त का पीएच मान होता है, मानव के रक्त का पीएच मान होता है समय शुरू, यानी कि मानव का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो रक्त क्या होता है, क्षार होता है। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान एक वह मान होता है जो किसी भी पदार्थ को अम्लता और क्षारकता को बताता है। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, और उदासीन क्या होता है, जल होता है। और जो 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। जो 7 से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्व अक्रिय है आपका समय शुरू। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, नियान एक क्या है, अक्रिय तत्व है। नियान क्या है, एक अक्रिय तत्व है जिसका संकेत Ni होता है। सोडियम एक तत्व धातु है, फ्लोरीन एक अधातु है, और क्लोरीन भी क्या है, एक अधातु है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तत्व धातु है आपका समय शुरू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पारा सही है, यानी कि यहाँ पे Hg पारा को कहते हैं। मरकरी, मर्क्यूरी या मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं, मर्क्यूरी भी बोलते हैं, मर्क्यूरी या मरकरी। Hg एक पारा धातु है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है, जबकि यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन अभी आप देखें, और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है आपका समय शुरू, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बस आप ये याद रखिए कि अनिल, अनिल, अनिल याद कर लीजिए, एक लड़के का नाम है। अ से अम्ल, अम्ल क्या करता है, नीले मतलब नी से नीला, और ल से लाल, मतलब नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अनिल, अनिल, अ से अम्ल, न से नीला, लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, जबकि क्षार इसका उल्टा करता है। मतलब लाल लिटमस पेपर को जो नीला करता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, मतलब अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। देखते हैं लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि COVID-19 एक महामारी है, किससे फैल रहा है आपका समय शुरू होता है। बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि यह मामला इस समय चल रहा है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन सही, यानी कि एक विषाणु है, यानी कि एक वायरस है, वायरस है। अभी तक इसकी कोई टीके की खोज नहीं की गई है, कोई दवा अभी तक नहीं बनी है, वायरस की वजह से फैल रहा है, और इस समय यह बहुत खतरनाक महामारी का रूप ले लिया है, जिससे पूरे इंडिया यानी कि कई 200 देशों में लॉकडाउन स्थिति है, और बहुत से लोग मर चुके हैं। तो आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।